वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आई डोंट नो कि मैं, मेरी कोशिश तो ये होती है कि मैं व्लॉग बनाऊँ आपके लिए, और बट आजकल मॉर्निंग्स मेरी अफोक के क्लिनिक पे होती हैं तो मुझे टाइम ही नहीं मिलता कि वहाँ पे। तो ऑफ कोर्स बिकॉज ऑफ प्राइवेसी रीज़न, पेशेंट के सामने और आप नहीं वो बना सकते। बट अभी मैं उड़ी हूँ। अभी उसने, आज उसका ये डे है कि आज उसने सुबह जाना था अपने लंदन वाली में और बाद में जाना है सारनिया वाली में। तो आज मेरे साथ आप लोग जो है ना सारनिया चलेंगे। बात वही वाली बात है कि आई विल सी, आई विल ट्राई कि मैं कैप्चर कर सकूँ आप लोगों के लिए, ब्लॉग बना सकूँ मेरी रूटीन का। बट अगर नहीं भी बना तो इट्स ओके, कोई बात नहीं है। बीच में हम एक दो दिन गैप भी दे देंगे। अफो इज़ हेयर। मैं अम्मा को जल्दी से नाश्ता कराऊँ, फिर गार मैं आप लोगों से बात करती हूँ, ठीक है? मेरी अम्मा बाबा भी आ गए, चलो सलाम तो करा देती हूँ। हेलो, गुड मॉर्निंग। हाँ मैं पी लूंगी। हुज ऑन द सोफा? ओ जो खजर भाई, अस्सलाम वालेकुम खजर भाई। वे इज अम्मा बाबा? दे आर डाउन स्टेयर्स, दे आर नॉट येट हेयर। आपका कैसा रहा लंदन? अच्छा रहा। मैं भी ये, मैंने भी फर्स्ट टाइम यूज़ करी, मैंने लिया था कॉस्को से। ओ, निंजा निंजा में भी आया है ये? हाँ, लेकिन ये मेरे तो मैं पास तो, मुझे उसके टीमू साथ वालों ने दिया था, इट वाज सो पैथेटिक, चला ही नहीं। किसम ने कहा था अमेजोन से ले लो, मैंने कहा अमेजोन पे देखा है सस्ता है, लेकिन मुझे ट्रस्ट नहीं है। मैं निंजा ट्रस्ट तो, निंजा की तो हमारे निंजा ब्लेंडर भी है ना, और सारे हम, है या आप ये गाड़ी में भी रख सकते हैं। नहीं, निंजा की तो क्वालिटी पे कोई कॉम्प्रोमाइज ही नहीं, क्योंकि निंजा निंजा है। बट उससे अलबत्ता मुझे ये था, थोड़ी जंक वंक रख लें, वो पर्स में वो डाल दें, आप डिजर्ट रख रही हैं क्या? वो है। मैं भी नाश्ते गाड़ी में वही करके जाऊंगी। ठीक है, वो है कहाँ वैसे? नीचे उसे गर्म करना पड़ेगा। नीचे है? गर्म ना भी हुई तो ठंडी में गाड़ी में खा लूंगी। चले मैं ज़रा नीचे से वो भी लेके आती हूँ। और चलो निकल रहे हैं। हाँ ओके, जस्ट गेट मी, वो बना रही है। देखो निंजा निंजा पियेंगे हम। नहीं, लेकिन ये निंजा तो 100% इट्स द बेस्ट थिंग टू हैव। बाय। मैं गाड़ी में ये नाश्ता करूँगी, ठीक है? ये आइसक्रीम है इसके वनीला, और साथ में ये अफ्फू ने बनाया है, हमारे एक अफ्फू का एक मेरा। ये ले, मैं खड़ी हुई हूँ। मेरे व्लॉग्स अब सिर्फ मुझे ही देखो, क्योंकि ऑफिस में और तो कोई फैमिली मेम्बर होता नहीं है। की करिए बंदा, कितने जाए। चलो मैं बाहर चलती हूँ। चले जी, बाहर का मौसम चेक कराती हूँ। बहुत सख्त घुटन वाली गर्मी नहीं है, हवा चल रही है, बट धूप है, बट हाँ ठंडी हवा है। अगर उधर आराम से किसी छाँव में आप बैठेंगी तो इट्स अ नाइस लंदन का जो वेदर होता है नॉर्मली, सारे GTA का भी इसी तरह होता है। ठंडा हो जाएगा शाम को। किसी ने मुझे कहा था ये कितने बड़े लॉन्स हैं भाई। वो जो मैंने पीछे लॉन दिखाया था ना, वो उन दरख्तों के भी पीछे था, पीछे पीछे पाइन्स के लंबे लंबे दरख्त आ रहे हैं ना, वो उसके पीछे पार्क था उनका। ये बैकयार्ड तो ये वाला है, और वो सुपर बैकयार्ड आप कह सकते हैं, फ्रंट उनका ये है, ठीक है? ये देखा, अब हवाओं में बैठे ना मज़ा आ रहा है। मैं कभी कभी ना, अभी मेरे पास टाइम नहीं है, वरना इस कुर्सी पे मैं और अम्मा बैठ के आराम से सुकून की बातें करते हैं। गाड़ियाँ चल रही होती हैं और फूल लगे हुए हैं। मुझे वो ऑरेंज फूल बहुत अच्छे लगते हैं, मुझे नेचर इतनी अच्छी लगती है, मैं तुम लोगों को क्या बताऊँ। तो इस तरह आराम से बैठना ना, आई लव इट। सुकून से आराम से बैठो, इंजॉय करो, कितना सुकून है ना। और की चाहिए है? अफरोज़ गाड़ी में आ गई, अफरोज़ को लेट हो जाएगी। चलो मैं चलते हैं। चलो फिर गाड़ी में आप लोगों से गप लगाती हूँ, नाश्ता कर लूँ। आयमा का कुरान आज रह गया है, उसकी 12 बजे क्लास थी, मैं 12:10 पे उठी। चलें जी, वी आर इन द कार। सलाम कर ले मेरी बहन को। वालेकुम अस्सलाम जी। सलाम कर ले बहन को। वालेकुम जी। ये हम डालते हैं वनीला आइसक्रीम जो हमने, की स्क्रीन थोड़ी टेढ़ी नहीं जा रही, ठीक है? इनको आदत पड़ गई, इनको कौन सा सीधे किया। चलो इस पे भी जज करो। चलो, ये मेरे अपने हैं, दिल के बहुत करीब है, सांसों के। ये मेरी अपनी कौम है, मुझको कुछ भी कह दे मैं कहती हूँ चलो कोई नहीं। तुम लोगों के सवाल काफ़ी हैं, उनके जवाब देने हैं, बट अब नेगेटिव्स के मैं नहीं दूंगी। सवालों के भी ज़्यादातर, आई मीन, तो भाई नाश्ता हो रहा है, ठीक है? क्रेप है, ये केक भी अफरोज लाई है, रखो ना, खा इधर रख दो ना, यहाँ रख दो।
लोगों को रास्ते में ना सारनिया के भी मैं अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाती हूँ, बिकॉज बहुत ही खूबसूरत विंड मिल्स लगे होते हैं। ये मेरा रूट फेवरेट रूट है। अपना बेल्ट नहीं लगाया, भूल गई ना। चलो जी, मेरी मोबाइल गर्म हो रहा है, आई कैन नॉट कीप इट हियर। ठीक है, मैं नाश्ता करूँ, फिर से कपड़ा लगा था। बाय बाय। लो, पैंट भी खराब कर देती हूँ। ये रास्ते में आपको दिखाती चलूँ, ये ना बहुत ही खूबसूरत रोड है। सारनिया बॉर्डर पे है अमेरिका और इसके कनाडा के, और इट्स अ स्मॉल सिटी बट अ ब्यूटीफुल सिटी। अगर मुझे रात को हम थोड़े जल्दी फारी हो गए तो मैं थोड़ा लेक की तरफ आप लोगों को थोड़ा सा निकल के दिखा दूंगी। बट दिस विंड मिल्स आते हैं रास्ते में, बड़े ही खूबसूरत किस्म के, हर तरफ खेती बाड़ी, हर तरफ आप विंड मिल्स देखेंगे दूर दूर तक। ये सारी चीज़ें पहले भी ब्लॉग में हैं, बट ऑफकोर्स प्रेजेंट में हो रही हैं, तो थोड़ा बहुत बोलना डिस्कस करना भी उसका हक बनता है। बाकी ये कि वी आर ऑन आवर वे। चले भाई जी, तो अभी मैं एक पेशेंट करके फारिग हुई हूँ। अब लत सी के मैंने अलमास से कहा था बेटा आप कमरा साफ कर लें जब तक, और फिर देखते हैं अलमास ने कितना कमरा साफ किया है। चलें जी लत सी, चलें जी। ये आप क्या कर रही हैं मैडम? ये अब रोज कहाँ से आया था? ना यूं मुझे पूरी क्लिनिक में और कोई चीज अच्छी नहीं लगी, ये घोड़ा अच्छा लगा अब रोज, ये मुझे दे दो। ये मेरा बचपन का ख्वाब था याद है, लकड़ी की लकड़ी की काठी, काठी पे घोड़ा, घोड़े की दुम पे जो मारा थोड़ा, घोड़ा 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 दुम उठा के दौड़ा लकड़ी। सही करिए, चलो उठो, सही हो। तो चलें जी, हमारा हो गया आज का दिन फिनिश हो गया। अभी मैं थोड़ी देर पहले अफरोज से ये कह रही थी कि अफरोज अभी तक ना, मतलब हर कोई बच्चा अंदर है वो अपनी पोजीशन में अपने मूड से हिसाब से कभी कहाँ होता है कभी कहाँ होता है। मैंने कहा अभी तक अफरोज मुझे सही पोजिशनिंग नहीं आ रही, लग रहा है घर के किसी बंदे को प्रेगनेंट करना पड़े। क्योंकि उसमें प्रैक्टिस कर सके ना। अब वो पेशेंट्स जो है वो आपको कितने हैं वो करने देंगे, मैं एक लेवल आएगी ना, वो कहेंगे बस कर बहन, हम यहाँ पे ड्रामे पैसे थोड़ी, हम पैसे लेके कर रहे हैं तेरे लिए, तेरे सिखाने के लिए थोड़ी हम प्रेग्नेंट हुए सीखने के। तो मैंने कहा मैं तो अभी उम्र में प्रेग्नेंट होंगी नहीं, तो बिलाल को प्रेग्नेंट कर। बिलाल अगर बीवी से काम करा रहे तो नहीं, अब प्रेग्नेंट होना पड़ेगा, क्योंकि यार अपना खानदान का कोई प्रेग्नेंट बंदा चाहिए जिसमें खुले आम 3-4 घंटे प्रैक्टिस करो, हर पोजीशन में बच्चा देखो, ब्रीच में हो, जिसमें भी हो। पर भाई नहीं गई। अब दूसरों को भी अफरोज बेचारी तो बहुत ही ज्यादा, मुझे अफरोज तो कहती है स्टार्ट तुम करो, यू डू इट ऑन योर ओन जस्ट, और पीपल आर कोऑपरेटिव, मतलब लोग जो है पेशेंट्स जो है, मैंने जो वहाँ अमेरिका में किया था वो मुझे पेशेंट्स को टच नहीं करने देते थे, अफरोज ने तो खुला कहा हुआ है और उनको बता देती है, शी इज़ माई न्यू टेक्नीशियन, शी इज़ लर्निंग, आई विल टेक ओवर फ्रॉम हर, बस जस्ट लेट हर, मतलब इसको शुरू करने दे। वो तो शुरू में ही कहती है कि इसको बात करो पेशेंट से, वो करो बात करो उनको, उनको हेलो करो, और लोग बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिंग भी हैं, कोऑपरेटिव हैं, अगर एक टाइम के बाद मैं कहती हूँ जो एग्जाम्स प्रैक्टिकल वर्क है ना, इट्स डिफरेंट फ्रॉम द जो एग्जाम है। थ्योरी तो मतलब आप दे चुके होते हैं, वो उधर भी चल रही है। जैसे अफरोज को तो एग्जैक्टली पता है कि इफ शी वहां से टच करती है कि यही पोजिशन है तो यहाँ पे ये होगा तो वहाँ पे होगा। आपसे कहा था कि फेस उस तरफ था तो आप उसको इधर टर्न करवाएंगी, मैंने उसको उल्टा टर्न करा दिया। मैं उसको सब क्या बोलती हूँ, अफरोज मुझे कहती इसको ना टिल्ट करवाओ, मैंने कहा कैन यू प्लीज टिल्ट टुवर्ड्स लेफ्ट, कहती अपनी तरफ करो। मैंने कहा अपनी तरफ करा रहा था, अब वो बेचारी ऑलरेडी टिल्ट हो गई, अब इतनी माशाल्लाह मतलब उसमें, लेकिन इसी तरह ही होता है ना अब, लेकिन वही वाली बात है कि वो तो बेचारी हो जाए। फिर मैंने कहा इसी में से देखो जो नजर आ रहा है, वो इनको दिखाएंगे सानिया को, ये घर चले नहीं बहन, 7 बज गए, 8 बजे घर पहुंचेंगे। हाँ तो चलो भाई, पता नहीं आज तुम लोग, आज मेरा ब्लॉग बनेगा कि नहीं बनेगा।
बन गया, बस इतना काफी है भाई, इतना ब्लॉग अब पांच तंग हो ना वैसे मुझसे भी तुम लोग, तुम लोग को तो सुकून नहीं है ना, वैसे भी तुमसे सारे तंग है। आ, तो फिर तो मुझे मैसेज भेज रहे हैं के बोला उनका यूट्यूब नहीं चल रहा तो हमें काम करने दे उनके यूट्यूब पे, हम उनको आगे बढ़ाएंगे। ले हमको चलाना ही नहीं है, हमने कब कहा हमने YouTube चलाना होता तो तुम लोग की खुशामद ना करते, हमने YouTube चलाना नहीं, YouTube की बजानी है हमने हमने जो चीज मिलती है उसको बजा बजा के बंद करके घर पहुंचाते। चलो जी भाई वापस जा रही हूँ, AC चल गया, मैं गाने सुनूंगी, रिलैक्स होंगी, बहुत अल्ट्रासाउंड कर दिए। बिलाल यू नीड टू गेट प्रेग्नेंट इफ यू वॉन्ट योर वाइफ टू वर्क एज अ टेक्नीशियन, स्पेशली प्रेग्नेंट लेडीज, क्योंकि भाई घर का बंदा होगा सुबह शाम रात, आपके हाथ में प्रोब होगा, आप जहाँ वहाँ लगाएंगे, बच्चे की भी ग्रोथ, बच्चा भी बाहर आके पहली चंड मानू वहाँ जो तूने मेरा हाल किया वो अल्लाह तेनों पूछे। लेकिन इट वॉज इट इज अ वेरी नाइस एक्सपीरियंस, आई एम लर्निंग, बट या चले जी, ओके जी, बाय फ्रॉम हियर। चले जी गुत्ते बना लिए मैंने, ओ माय गॉड माय डॉटर इज हियर, कैसे है मेरा बच्चा, हाउ वाज योर डे, या टुडे राइट नाउ इट्स इवनिंग, डिड यू स्विम, यस, डिड बॉय स्विम, यस, हाउ वाज इट, इट वाज गुड, कैन आई स्विम नाउ, या श्योर, यस, आई एम गोइंग टू द बाथरूम एंड आई एम गोइंग टू माय स्विम, अभी थोड़ी देर बैठ जाओ फिर मैं करती हूं, वेट, ये बैठे हुए शाम का टाइम है, मुझे यहां पे शाम के टाइम बैठना बहुत अच्छा लगता है। आग जला के सूरज की, अस्सलाम वालेकुम बाबा, कैसे हैं आप लोग, कितना प्यारा व्यू आ रहा है, वो सूरज कितना खूबसूरत लग रहा है गिरता हुआ उस पे। इसकी तो पिक्चर लेनी चाहिए सूरज की ना, ये वाली मैं लेती हूँ। अम्मा कैसा रहा आपका लोगों का दिन, हमारा बहुत अच्छा, मजा आया, खाना, बोटी बोटी रोटी नहीं दी, रोटी दे देती वही खा लेती, रोटी दस दफा मैं गई हूँ, मैंने कहा रोटी, मैंने कहा हाथ की पका के देती हूँ इसको, रोना शुरू हो जाती है। अम्मा आपने रोटी क्यों नहीं खाई, यू टेक रोटी यू टेक पराठा, मैं बोटी खिला देती तुम्हें, वाई नो, तो क्यों नहीं खाई, लेट मी ब्रिंग इट फॉर यू एंड फीड यू, अदरवाइज नो स्विमिंग, इफ यू डोंट वांट टू डू ईट एनीथिंग देन देयर इज नो, कोकोमो से पेट भरता है, रिजर भाई स्पेशल चाय लेकर आए, और ये कहाँ की है भाई, हम यहाँ पे अब चाय पियेंगे, तो ये ग्रीन टी कौन पिएगा, मैं और अम्मा, तो अफरोज, अफरोज की मिडिल वाली, ये इस तरफ वाली मेरी है, हाँ, थैंक यू सो मच, मेरे ख्याल में मैं इधर से उठाऊं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू। ये भाई इसकी शक्ल तो मुझे यमनी चाय की लग रही है, हमने ना वहाँ पे एडमिंटन में ना एक वो रेस्टोरेंट पे जाते हैं जलाल भाई वगैरह, मौका के नाम से, इसका कलर तो बिल्कुल वैसा लग रहा है, आई फील लाइक इट्स द सेम टी। ये वो जो मिलिया ना रेस्टोरेंट, ये एग्जैक्ट वही इस चाय है, इसमें अब मुझे पता चला सेफ्रॉन, मैंने कहा था ना एक स्पाइस है, मुझे बाबा स्पाइस नहीं समझ आ रहा था, यही स्पाइस यही खुशबू, और आई वाज लाइक कि ये स्पाइस क्या है, और इसमें ज्यादा चीनी की भी जरूरत नहीं होती, और टेस्ट इतना फ्लेवरफुल है, बिलाल दिस इज एग्जैक्ट मौका टी डायरेक्ट फ्रॉम खिजर भाई किचन, खिजर भाई ने बनाई है, मैं रेसिपी लेकर आ रही हूँ, फिर हम दोनों दुकान खोलेंगे फ्लोरिडा में, जो यहाँ पे वो चल रही है ना मौका टी बार, हम भी चलाएंगे। अंदाज अपना अपना था ना, उसमें मूवी में ना वो डायलॉग होता है, वो क्या उसको ना हर चीज का कारोबार करने का बहुत शौक होता है, तो मैं एक चूजा लूंगा, चूजा बड़ा होगा फिर वो अंडे देगा, एक अंडा देगा एक से 100 होंगे, 100 से 1000 होंगे, फिर मेरे पास मुर्गियां आती आ जाएंगी, अंडे इतने जाएंगे, फिर मैं डबल करूंगा
ये बिल्कुल मेरा भी बचपन से यही हाल है बाबा, मैं हर दफा जो है ना नए आइडिया, अच्छा मेरे से कोई बात भी करता है ना, बिलाल कहता है अलमास से बात कर लो ना, तो मैं बात करके लोगों को हजार आइडिया दूंगी और हजार जो है ना लोग हजार आइडियो में से दो करके सक्सेसफुल भी हो जाएंगे। बिलाल कहता है तू वही की वही है। तो ये वही वाला आइडिया भाई, दिस इज एग्जैक्ट द सेम थी। डबल रोटी का फिर अंडे वो बोलते ना अंडे सैंडविच वाला। चले नानी आप क्या कर रही हैं? मैं अलमास के ना सर पे तेल लगा रही हूँ, मालिश कर रही हूँ। एक साल से ना तो इसने पार्लर में भी नहीं तेल लगवाया, तो बाल कैसे लग रहे हैं? बाल ड्राई ना? बाल बड़े कमजोर हो गए इसके, ठीक है ना। अब बालों को सेहत बनाना जरूरी है, इसीलिए अलमास की अब खिदमत कर रहे हैं। ये जो होता है ना देसी माओं का जो है ना, हाँ, देसी माओं का देसी इलाज। सही है, सही बात है। ऐसे दिमाग में खून की वो गर्दिश सरकश, उर्दू में मतलब इंग्लिश में कह रहे हो सर्कुलेशन बढ़ी है, उर्दू वर्ड नहीं। और मुझे बड़ा हाँ, आज अफरोज के जो बेडशीट और तकिए ना वो तेल से होंगे खराब, वो भी कोकोनट आयल सारे जो है ना। साल पूरा जो है क्या बात है। अब तो मैं इस मसाज के बाद यूएसएमएलई के लिए तैयार हूँ अम्मा, दिमाग आपका सही हो जाएगा ना। हाँ वो तो मुश्किल है, अब नॉर्मल दिमाग कैसे ठीक होगा ये समझ नहीं आ रही, कोशिश तो कर सकते। बाल भी बड़े कमजोर हो गए हैं। ठीक।